हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 8 मई 2019 है और आज की वीडियो की पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट examguruji.in से डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें। इन दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। शुरुआत करेंगे वीडियो की और उससे पहले थॉट ऑफ द डे, हम बात करेंगे आज के थॉट की कि कल आपने जितना किया अगर आज आप उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब कल अगर आप ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कल से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। कहने वाली बात सीधी सीधी ये है। सो ज़्यादा काम कीजिए आज और पाइए कल आप ज़्यादा रिटर्न। सो शुरुआत करेंगे इसी थॉट के साथ, बात करेंगे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों के रिवीजन की। पहला प्रश्न कि भारतीय सेना ने स्कॉर्पियन क्लास की किस नई पनडुब्बी को लॉन्च किया, तो इसका नाम है INS वेला। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निवेशकों के हित को संरक्षित करने के लिए क्लास एक्शन सूट लॉन्च किया गया, तो ये कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तीसरा प्रश्न है कि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका मनाया जाता है 4 मई को। वहीं चौथा प्रश्न है कि किस राज्य में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत चीन व्यापार का वार्षिक सत्र फिर से शुरू हो गया, जो 5 महीने के लिए रास्ता खुलता है और ये सिक्किम राज्य में स्थित है। पांचवा प्रश्न है कि थाईलैंड के नए सम्राट के रूप में किसने पदग्रहण किया है, तो इनका नाम है महावाजी रोंगलकॉर्न। छठवें प्रश्न की बात करेंगे कि हाल ही में किस प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवल स्टेशन के लिए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में एक कार्गो मिशन लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है। सातवां प्रश्न है कि जल की कमी और छोटी मछलियों की संख्या में गिरावट की वजह से ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी आबादी लगातार भारत में कम हो रही है, उसका नाम है पेटेंट स्टॉर्क। और आठवां प्रश्न है कि CSC के ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने उन्नत भारत अभियान की जो प्रभावशीलता है उसको बढ़ाने के लिए किसके साथ करार किया है, तो ये करार किया गया है IIT कानपुर के साथ में। और नवा प्रश्न है कि भारत अगस्त 2019 में आयोजित होने वाला जो ग्रुप ऑफ 7 या G7 जिसे कहा जाता है औद्योगिक देश, उनकी बैठक में शामिल होगा। और ये बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन फ्रांस में किया जाएगा, लेकिन याद रखिएगा भारत इस ग्रुप का सदस्य नहीं है। दसवां प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी द्वारा अपनी स्वयं की ब्लॉकचेन आधारित सेवा एज्यूर ब्लॉकचेन सर्विस शुरू की गई है, और ये शुरू की गई है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो ये थे हमारे पढ़े गए करंट अफेयर के कल के प्रश्न। बात करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व अस्थमा दिवस 2019 की थीम क्या है, तो विश्व अस्थमा दिवस 2019 इसकी जो थीम है वो है स्टॉप फॉर अस्थमा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है, तो पहले ये पता होना चाहिए, तो इसको कोई विशेष डेट को नहीं मनाया जाता बल्कि हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, और इस बार ये मनाया जा रहा है 7 मई को विश्व स्तर पर। और यहाँ पर जो स्टॉप है, स्टॉप का अर्थ है स्टॉप, एस फॉर सिम्टम्स, इवेल्युएशन, टी फॉर टेस्ट रिस्पॉन्स, ओ फॉर ऑब्जर्वर एंड असेस, और पी फॉर प्रोसीड टू एडजस्ट ट्रीटमेंट। तो ये स्टॉप की फुल फॉर्म रखी गई है इसमें। और अस्थमा जो है फेफड़ों का जो वायु मार्ग है उसमें सूजन से संबंधित एक रोग है और लंबे समय तक होने वाला रोग है, और इसमें जो घरघराहट, खांसी और सीने में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स जो है अस्थमा में देखने को मिलती हैं। और विश्व अस्थमा दिवस की बात करते हैं तो 1998 में पहली बार बार्सिलोना स्पेन के अंदर इसको 35 देशों में मनाया गया था। और विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन जो है हर साल ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा इसके द्वारा, ये संस्था है इसके द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि दूसरा प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व रेडक्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रेडक्रॉस दिवस आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है और ये मनाया जाता है 8 मई को, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो विश्व रेडक्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले पुरस्कार के विजेता जिनका नाम था जीन हेनरी ड्यूनेट, उनके जन्मदिवस यानी 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो आपको दो चीज़ें पता चली। पहली चीज़, पहला विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, जीन हेनरी ड्यूनेट को, और उन्होंने किसकी स्थापना की थी, तो उन्होंने रेड क्रॉस संस्था की स्थापना की थी। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC, ये गैर सरकारी यानी कि NGO टाइप का संस्थान है, 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। और उद्देश्य क्या है, जो रोगी हैं, घायल हैं और खासकर युद्ध काल में भी जो रोगी वगैरह होते हैं, बंदी वगैरह होते हैं, उनकी देखरेख करना। मुख्यालय इसका जेनेवा के अंदर है जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। और 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन हुआ था। इसका मुख्यालय भारत में कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भारत में नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ कि हाल ही में वंदना ने लॉन्गेस्ट डांसिंग मैराथन में गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया है, और ये किस देश की, तो नाम इंडियन होने से या हिंदू होने से मत समझिए कि भारत की है, ये नेपाल की है।
राइट, तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। इनकी डिटेल देख लीजिए क्या है, तो लॉन्गेस्ट डांसिंग मैराथन बाय इन इंडिविजुअल्स, इस पर 126 घंटे तक इन्होंने लगातार नृत्य किया और उसके साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, यानी 126 घंटे लगातार डांस का। इन्होंने जो है कला मंडपम हिमलता, ये एक भारतीय महिला थी, इनके द्वारा जो है स्थापित किया गया था रिकॉर्ड, इसको तोड़ा है। और 2011 में इन्होंने 123 घंटे और 15 मिनट तक लगातार नृत्य किया है, तो इन्होंने 126 घंटे का नृत्य किया है। बात करेंगे गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की, तो ये प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली एक पुस्तक है जिसके अंदर संदर्भ दिया जाता है, जो रिकॉर्ड्स बनते हैं विश्व के उनका संकलन इसमें किया जाता है, और 1955 से इसको प्रकाशित किया जा रहा है। और सर्वाधिक बिकने वाली कॉपीराइट पुस्तक के रूप में भी ये खुद को रिकॉर्डधारी पुस्तक है, यानी ये सबसे ज़्यादा कॉपीराइट पुस्तक है जो कि बिकती है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि है चौथा प्रश्न, कि किस राज्य की विधानसभा द्वारा दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 2019 पारित किया गया है, तो इसको जो पारित किया गया है वो पारित किया गया गुजरात को, राइट, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है, तो ये जो अधिनियम गुजरात ने पारित किया है 1 मई 2019 से लागू किया जाएगा, और इसके अंतर्गत बड़ा चेंज ये किया गया है कि राज्य में अब दुकानें जो हैं और अन्य जो व्यवसाय हैं वो 24 घंटों के लिए खुले रह सकेंगे। और इस अधिनियम ने रिप्लेस किया है 1948 का जो गुजरात दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम है उसकी जगह पर। इसमें तहत क्या था, जो व्यवसाय को 12 बजे से 6 बजे के बीच में रात में खोले जाने पर रोक लगा दी थी, यानी अब 24 घंटे ओपन हो जाएंगे। बात करें गुजरात की, राजधानी गांधीनगर, राज्यपाल यहाँ के कौन है, ओम प्रकाश कोहली या ओपी कोहली, और मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, बीजेपी की यहाँ पर सरकार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है सातवां पांचवा प्रश्न, कि भारतीय डेयरी ब्रांड है अमूल, आप सभी ने सुना होगा अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, 2019 का जो क्रिकेट विश्व कप है उसके लिए आधिकारिक प्रायोजक यानी स्पॉन्सर के रूप में किस देश की क्रिकेट टीम के साथ करार किया है, तो इसने जो करार किया है वो किया है अफगानिस्तान के साथ में, याद रखिएगा भारत के साथ में नहीं किया है, अफगानिस्तान के साथ में करार किया गया है। बात करते हैं इसकी डिटेल की, तो आईसीसी के जो पूर्ण सदस्य है अफगानिस्तान, अब उसका ये पहला विश्व कप होगा, और वनडे जो रैंकिंग लिस्ट है उसमें वो अभी फिलहाल में 10वें नंबर पर है। 2019 का जो क्रिकेट विश्व कप हो वो कहाँ खेला जाने वाला है, तो वो इंग्लैंड और वेल्स के अंदर खेला जाना है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ये दो स्टेट कह सकते हो, देश कह सकते हो। अमूल की बात करें तो आनंद सहकारी दुग्ध उत्पाद संघ, इसकी स्थापना हुई थी 24 दिसंबर 1946 में, एक सहकारी आंदोलन है। सहकारी क्या होता है, जिसमें 10 से ज़्यादा लोग आपस में जुड़ के कोई चीज़ करते हैं, और इसी के साथ भारत में ऑपरेशन फ्लड या स्वेद क्रांति की शुरुआत हो गई थी, और इसे संसार का सर्वाधिक दूध उत्पादक भारत जो है देश बन गया। और इसमें विशेष नाम याद रखिएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये सफ़ेद श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है सात छठवां, कि विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था जो फीफा है उसने दुनिया भर में महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए कितने नए पुरस्कार श्रेणियों की घोषणा की है, तो इसमें 2 नई पुरस्कार की श्रेणियां और जोड़ी गई हैं। अब इनकी डिटेल देख लीजिए क्या है, तो ये 2 नई पुरस्कार श्रेणियां जो जोड़ी गई हैं वो जोड़ी गई हैं सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर और सर्वश्रेष्ठ महिला टीम, इसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। और फीफा ने महिला फुटबॉल को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, किस प्रकार से और आगे बढ़ाया जाए, खासकर इसी को ध्यान में रखते हुए सब किया है। बात करेंगे फ्रांस इस परीक्षा दृष्टि में हम, कि फीफा महिला विश्व कप की बात करें तो 2019 जो है फ्रांस 2019 में इसकी जो है मेजबानी करेगा, और फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा की बात करें तो 21 मई 1904 को ज्यूरिख इसका मुख्यालय यहाँ पर स्थापना हुई थी न्यूजीलैंड के अंदर, और गियानी इन्फेंटिनो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। 208 राष्ट्रीय संघ यानी देश इसके जो हैं सदस्य हैं। आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन और स्पेनिश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि सातवां प्रश्न है, कि ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ वायलेंट डेथ्स, ये एक नई पहल है, ये किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है, तो ये जो शुरू की गई है सिप्री के द्वारा शुरू की गई है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय याद रखिएगा स्टॉकहोम में है। इसका लक्ष्य क्या है, कि दुनिया भर में जो हिंसक मौतें होती हैं उन पर वार्षिक संख्या की गणना की जाए, और जो सतत विकास लक्ष्य यानी SDG गोल हैं जो 2016 के अनुसार 2030 तक जिनको प्राप्त किया जाना है, उसमें हर तरह की हिंसा और उससे जो हिंसा से होने वाली मृत्यु है उसको कम करने के लिए दुनिया को प्रतिबद्ध किया जाए, यानी देश जो है वो इस प्रकार का काम करें, निगरानी उस पर करें। सिप्री की बात करते हैं तो ये 1966 में स्थापित हुई थी, और मुख्यालय कहाँ है इसका, स्टॉकहोम में है, जो कि स्वीडन की राजधानी भी है।
संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण, इसके संबंध में अनुसंधान का काम करती है ये। और 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 जो उद्देश्य थे सतत विकास लक्ष्य 2030 के एजेंडा के जो अंग हैं, उनको जो है 2016 में पहली बार प्रभावी किया था, जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे थे, राइट। और 2030 तक जो अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और संरक्षित विश्व की रचना करना इनका जो है उद्देश्य है, यानी कि दुनिया को और शानदार बनाना, कुल मिलाकर एक लाइन में कहा जाए तो ये इनका उद्देश्य है। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ के, लॉरेंटिनो कॉर्जितो, ये किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो ये जो नए राष्ट्रपति बन गए हैं ये है पनामा के, राइट। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो पनामा का निर्वाचन न्यायालय, उसने लॉरेंटिनो कॉर्जितो को पनामा के राष्ट्रपति के रूप में विजय घोषित कर दिया है। और कॉर्जितो जो है पनामा की डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनरी पार्टी जो है उसके उम्मीदवार थे, असेंबली के अध्यक्ष थे और 1 जुलाई 2019 को पदभार ग्रहण करेंगे और जुआन कार्लोस वारेला की वो जगह लेंगे। अब बात करेंगे पनामा की। तो पनामा एक मध्य अमेरिकी देश है, राजधानी पनामा सिटी है, और पनामा के पश्चिम में कोस्टा रिका और दक्षिण में कोलंबिया है, उत्तर में कैरेबियन सागर और दक्षिण में प्रशांत महासागर है। देखिए पनामा गेट्स आपने सुना होगा, इसका नाम भी काफी बार आया, तो मैं आपको पनामा लिए चलता हूँ। और पनामा को टैक्स हेवन भी कहा जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको पनामा पहुंचना है तो आप मूव कीजिए पश्चिम की तरफ, और पश्चिम में मूव करेंगे तो आपको अमेरिका, ये ऊपर उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिण अमेरिका, और इनके बीच में ये देश दिखाई दे रहा है, ये येलो कलर का। इधर जो है किसके साथ इसकी सीमा लग जाती है, इस तरफ कोलंबिया के साथ में, इस तरफ कोस्टा रिका के साथ में, और इस तरफ कैरेबियन सागर है और इस तरफ प्रशांत महासागर है, राइट। तो ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये है पनामा, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है नवा कि सौरभ घोषाल और किस खिलाड़ी ने एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में व्यक्तिगत खिताब जीता है? तो ये जो खिताब जीता है जोशन चिन्नप्पा और सौरभ घोषाल। अब इनकी डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय चैंपियन जोशना चिन्नप्पा और एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब को बरकरार रखा है, हांगकांग की जो शीर्ष वरीयता प्राप्त एनी एयू है उनको हराया और एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में व्यक्तिगत खिताब जीता। एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी? तो क्वालालंपुर में आयोजित हुई थी। क्वालालंपुर कहाँ पर है? मलेशिया में हुआ है। और स्क्वैश क्या है? एक रैकेट खेल है, ये रैकेट होता है जैसे बैडमिंटन का रैकेट होता है उसी प्रकार से, जिसमें दो खिलाड़ी होते हैं और डबल्स अगर हो रहा है तो उसमें चार खिलाड़ी होते हैं। एक छोटी खोखली रबर की गेंद होती है जो चारों दीवारों वाले कोर्ट में खेलते हैं, यानी दीवार की तरफ इसको मारा जाता है। स्क्वैश IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त है और आने वाले ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल किए जाने के लिए इसको दावेदार किया गया है। चलिए बात करते हैं 10वें अंतिम प्रश्न की कि हाल ही में ड्रैगन मिहेलोविक, इनको किस देश की या किस टीम की कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनको जो है भारतीय वॉलीबॉल टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन सही उत्तर है। अब इनकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो कोच के रूप में नियुक्त किया गया है मिहेलोविक को, इनके पास 25 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है और BFI टीम के जो है फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में शामिल किया गया है। किन किन को? तो प्रिय मिसवाल, गेजोस्की और व्लादिमीर रोडोजोकी, इनको भी जो है नियुक्ति की घोषणा की गई है। तीनों को 5 महीने के लिए नियुक्त किया गया है। सितंबर 2019 में ईरान में जो एशियाई चैंपियनशिप होगा उसके साथ में ये टीम के साथ काम करेंगे। बात करें वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो 1951 में स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन है? एम वासुदेवन है। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। बात थी आज हमारे करंट अफेयर के प्रश्नों की। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी वेबसाइट है examguruji.in, इस पर जाइए, इसकी PDF डाउनलोड कीजिए। PDF को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।